नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अनुकंपा नियुक्ति के जरिए युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी, सप्ताह भर में शिक्षा विभाग ने 45 युवाओं को जारी किए नियुक्ति आदेश। बलौदाबाजार 4 जून 2021 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में 10% की सीमा शिथिल करने के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्णय से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खुल गए। इसके तहत बलौदाबाजार जिले में अकेले शिक्षा विभाग द्वारा 45 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। ऐसे ही आज सत्यनारायण साहू के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें सहायक ग्रेड 3 में नियुक्ति दी गई। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने अपने कक्ष में नियुक्ति पत्र देकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करना, खूब मेहनत करना और आगे बढ़ना, अपने एवं अपने परिवार के अन्य सदस्यों का भी ख्याल रखना। बिलाईगढ़ तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत भटगांव के निवासी सत्यनारायण साहू ने बताया कि मेरे पिताजी कपिलनाथ साहू प्रभारी प्राचार्य के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलोनी कला भटगांव में पदस्थ था। 22 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण से मेरे पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के जाने के बाद हम लोग बहुत ही चिंतित एवं असहज हो गए थे। आगे हम लोगों का क्या होगा, यह सोचकर चिंता सताने लगी थी। परिवार में माँ एवं 2 बहनें भी हैं। इन सबका लालन पालन की जिम्मेदारी भी कुशलता पूर्वक निभा सकूंगा। इस विषम परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर राज्य सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि मैं कुछ दिन पहले ही जिला शिक्षा कार्यालय में आकर आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी लिया था। समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ आज ही मैंने सुबह 11 बजे आवेदन प्रस्तुत किया। मेरे आवेदक पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने मुझे 3 बजे कलेक्टर महोदय के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया। मैं सत्यनारायण साहू निवासी भटगांव विकास खंड बिलाईगढ़ से। मेरे पिता श्री कपिलनाथ साहू जो 22 अप्रैल को कोविड से एक्सपायर हो गए थे और मैं बहुत चिंतित था। मेरे परिवार बहुत चिंतित थे। मैं अनुकंपा नियुक्ति के फार्म प्रस्तुत किया जिला कार्यालय में और 24 घंटे में जिला कर करके मुझे आदेश दिया प्रशासन और कलेक्टर सर, सब जो भी मुख्यमंत्री हैं उनका सहयोग आभार प्रकट करता हूँ। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।